Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing carboxylic acid part of unit number 12. In carboxylic acid we have done preparation of carboxylic acid and physical properties of F. Now we will do chemical properties of carboxylic acid. As I already told you that this is the most important portion of unit number 12. That is the chemical properties of carboxylic acid means their acidic character. सबसे ज़्यादा questions जो आते हैं carboxylic acid में से वो आते हैं इसके acidic character को लेकर के. So just focus on this topic. So I am discussing chemical properties of carboxylic acid and chemical properties में carboxylic acid का acidic character. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच गिव्स एच प्लस आयन इन सॉल्यूशन. जो क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन एच प्लस आयन. तो एसिड्स हैं वो क्या देते हैं? दे गिव एच प्लस आयन. एंड जितना स्ट्रांगली वो डिसोसिएट होते हैं या जितने उनकी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, एच प्लस आयन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है एसिड. बात करें अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज़ ऑल्सो, हम इसको एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या देता है? एच प्लस आयन. इट गिव्स एच प्लस आयन. ओके, एंड कार्बोक्सिलेट एंड आयन. अब देखो यहाँ पर ले लेते हैं एच प्लस आयन जो आपका मिनरल एसिड में बनता है. मिनरल एसिड क्या है? लाइक एस सी एल, एस टू एस ओ फोर, एच एन ओ थ्री, ये भी एच प्लस आयन देते हैं, सी एल नेगेटिव आयन देते हैं. अगर हम इन दोनों का एसिडिक करेक्टर जो है वो आपस में इनको हम कंपेयर करें तो दीज आर स्ट्रोंगर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रोंगर देन कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड द रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं इनकी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होती है. मीन्स दे कम्प्लीटली डिसोसिएट इन टू एच प्लस आयन. वो पूरे तरीके से एच प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रोंगर एसिड. क्लियर? जबकि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती एंड दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड. क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिडिक क्यों है, क्या क्या हम कौन से ग्रुप इसमें ऐड करते हैं तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. सो लेट अस डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम ड्रॉ करें तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डायग्राम. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. ओके, अब क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डबल बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, तो ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और कार्बन को दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सेम एज ये बॉन्ड अगर ये ऑक्सीजन ले ले तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? सी ओ टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज. डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव वन टू थ्री फोर एच. ओके, तो यहां पर ये आपका बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर. फिर अब ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि हियर यू कैन सी द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन. जो आपका कार्बन से इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है, उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो होता क्या है कि जो एच हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एंड फाइनली इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन. फाइनली इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन.
वैसे ही रहने दो। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट एन। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ कि मैं वहां पर डबल बॉन्ड कर दूं और यहां पर नेगेटिव साइन कर दूं। ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, यहाँ पर तो दोनों ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकती हूँ। एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले ऑक्सीजन पर हो और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज हो वो नीचे वाले ऑक्सीजन पर हो, ठीक है। इसने ये दिया तो इसके फोर बचे ना, ओके, एंड वन पॉजिटिव चार्ज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा बने हुए थे ना, 1, 2, 3, 4, तभी तो प्रॉब्लम हो रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। हाँ बेटा, तो इसको ध्यान से देखो, तो कार्बोक्सिलेट आयन के क्या बन रहे हैं, टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन आपका स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से मतलब अगर ये स्टेबल है, इट्स मीन इट विल ईजिली जो है डोनेट करेगा या गिव्स करेगा एच प्लस आयन, और जो जितना ईजिली एच प्लस आयन देगा दैट विल बी एसिड, वो आपका एसिड होगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन को अगर आप देखो तो ये आपका स्टेबल है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आपसे पूछते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों है, दैट इज ड्यू टू आपके स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन आपका स्टेबल है, और स्टेबल होने का मतलब है कि ये इजिली बन जाएगा, और इसके इजिली बनने का मतलब है कि एच प्लस आयन इजिली निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से एच प्लस आयन निकल जाएगा इट्स मीन इट इज एसिडिक। तो ये आप इसको इसके एसिडिक कैरेक्टर को इससे आप क्लासीफाई कर सकते हो। अब देखो, अगर आपसे पूछते हैं कि बहुत सारे एसिड्स दे देते हैं और आपको बोलते हैं बताओ इसमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो अब आप जरा सा आगे वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो। बेटा एसिड वो आपका स्ट्रॉन्गर होगा जो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, क्या करे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मतलब बॉन्ड को जो है अपनी तरफ खींच ले और H प्लस आयन निकाल दे बाहर। ये कब पॉसिबल है, जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो वो ग्रुप जो आपका, यहां पर मैं आर लिख देती हूँ, वो ग्रुप जो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, मींस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा जितनी कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्गली ये H में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और H प्लस आयन को बाहर कर देगा, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब समझते हो, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, वो H प्लस आयन में से इलेक्ट्रॉन लेगी और H प्लस आयन बाहर हो जाएगा और उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं R में इलेक्ट्रॉन और की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेती हूँ तो एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें ऐड कर दूंगी तो एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्यों डिक्रीज करेगी, ये इलेक्ट्रॉन देगा ये इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन एटम पे इंक्रीज कर जाएगी तो बेटा इस ऑक्सीजन को क्या जरूरत है कि एच प्लस में से एच में से इलेक्ट्रॉन को ले और इसको बाहर करे, ठीक है, अगर इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाऊंगी तो एसिडिटी मेरी डिक्रीज करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाऊंगी तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपका एनओ टू है, सी एल है, ठीक है, और जो आपके डबल बॉन्ड वाले आते हैं सी एच ओ है, जो भी है, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में कौन से ग्रुप होते हैं, सी एस थ्री मिथाइल ग्रुप, ओ मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में से लर्न कर लो, एल्कोहल ग्रुप, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कौन किससे ज्यादा एसिडिक होगा। सपोज मैंने लिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन ले लूं, क्लोरीन ले लूं, आयोडीब्रोमीन ले लूं, आयोडीन ले लूं, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेटा देखो, पहली बात तो इन दोनों में से ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जो एसिडिक होता है उसके लिए हमेशा के ए की वैल्यू ज्यादा होती है, और पी के ए जो माइनस लॉग ऑफ के होता है उसकी वैल्यू पी के ए की वैल्यू एसिडिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और माइनस लॉग के ए की वैल्यू पी के ए वैल्यू, हाँ, कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी और पी के ए की वैल्यू कम होगी। तो जिसकी जितनी कम पी के ए वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जिसकी जितनी ज्यादा पी के ए वैल्यू होगी वो उतना ही वीक एसिड होगा, ठीक है। ये आपने प्लस वन में इक्विलिब्रियम में किया हुआ चैप्टर में, ठीक है, ये माइनस लॉग वाली वैल्यू होती है के ए की, इसलिए कम होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इसको स्टार डाल के नोट भी कर लो। तो बेटा इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। देखो मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है बट उससे ज्यादा आपका मिथाइल ग्रुप होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट शो होगा तो वो एसिड वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से मैं कंपेयर करूँ तो फर्स्ट पोजिशन होगी ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब मैं कंपेयर करती हूं इन सबको, तो बेटा इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, और यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एलिमेंट ले आई हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और अगर आपने जो है केमिकल बॉन्ड ने सॉरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो उसमें आप जानते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो जितना स्ट्रांगली जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं इन चारों में देखूं तो ये आपका स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है, और इसका नंबर सबसे लास्ट आएगा। समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, एक विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन है, ओके। और क्या कंपेरिजन आता है वो भी देख लो। सपोज उन्होंने दे दिया सी एच टू सी एल, यहां पे दे दिया सी एच सी एल टू, यहां पे दे दिया सी सी एल थ्री, और इन तीनों का पूछा कंपैरिजन। तो आपने क्या करना है, जितने मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तब ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्लियर है? क्यों? इसमें तीन क्लोरीन ग्रुप लगे हुए, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ओके। और आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सपोज सी एस टू सी एल सी ओ एच, इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वैसे तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि
कि जितना विड्रॉइंग ग्रुप इसके क्लोज होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उतना ही मोर एसिडिक होगा, तो ऑर्डर होगा ये, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मैंने आपको बता दिए, क्लियर। और अगर इसमें वो नाइट्रो ग्रुप भी दे देते हैं कि नाइट्रो ग्रुप है तो कौन ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन टू आपका क्लोरीन या आपका हैलोजन, तो ये आपका ये ऑर्डर होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड इससे आते हैं आप ये सारे क्वेश्चन ऑर्डर है देख लेना, इसमें से भी समटाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक आपका एसिड में कैसे आपका एसिडिटी को हम देखें, तो बेटा देखो ये हो गया नॉर्मल बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है मेटापोजिशन पर ही आपके, हाँ चलो देखते हैं। अब ये बेंजोइक एसिड हो गया, तो बेंजोइक एसिड में से वही चीज है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे एसिडिटी डिक्रीज करेगी। आप बल्कि इसको लिखा तो मैंने था नोट डाउन, तो आपने कर लिया होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओगे इट विल डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, डिक्रीज करेगा एंड एसिडिटी विल इंक्रीज। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाओगे तो इट विल रिलीज या इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एंड दस एसिडिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाती हूँ, सपोज मैं नाइट्रो लेती हूँ और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल लेती हूँ, और मुझसे पूछा जाता है इनमें से ज्यादा एसिडिक जो होगा, प्लस बेंजोइक एसिड भी है, इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो नेचुरली है कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये आएगा फर्स्ट पोजिशन पे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि इसके करने से इंक्रीज हो जाएगी, तो इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सेकेंड पोजीशन इसकी आएगी। एटलीस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा इंक्रीज तो नहीं कर रही है, यहां पर तो इंक्रीज करेगी, और इसकी पोजीशन आएगी थर्ड। ठीक है, इनका भी ऑर्डर क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे एसिडिटी को। ओके, मैं चाहती हूँ सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ही आप उसमें से कर लो, अगर क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा पैरा एंड बेंजोइक एसिड, ठीक, तो बेटा इनको कंपैरिजन करो तो नाइट्रो ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। देखो जो ऑर्थो एंड पैरा होते हैं इनका इफेक्ट हमेशा ज्यादा होता है, जब इस पोजीशन पर आपके कोई फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनका इफेक्ट ज्यादा होता है, ये क्लोज है या आपका ट्रांस पोजिशन पर है, ठीक है, तो ये आपके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन आपके विड्रॉ होंगे, प्लस यहां से होंगे विड्रॉ ज्यादा, यहां से कम होंगे, तो जो ऑर्डर होगा ऑर्थो आपका हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हो, हमेशा उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखना है। क्यों, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो के हमेशा एसिडिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर दो फैक्टर एक साथ इंक्लूड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एक होता है स्टेरिक फैक्टर। तो ये आपके अभी सिलेबस की बात नहीं है, बाद में आपको बताएंगे, बट आप फिलहाल इतना समझ लो कि ऑर्थो हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ हो। तो ये पोजिशन फर्स्ट है, इन दोनों में तो आपको पता है, मैंने बताया पहला पोजिशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये होगा ऑर्डर आपका एसिडिटी का। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में देखूं बेटा फर्स्ट पोजीशन पर तो बेंजोइक एसिड होगा, क्यों, आपका नहीं लगा है
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये ज़्यादा बेटर है, क्यों? ये तो हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज ही करेंगे। अब देखो ज़्यादा एसिडिक, मैंने कहा ना ऑर्थो को हमेशा अपने फर्स्ट पोजिशन पर रखना है, इसका ऑर्थो इफेक्ट इसको हम कहते हैं। इन दोनों को कंपेरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ ज़्यादा हो रहे हैं ट्रांसपोजिशन में से, तो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज भी होंगे ज़्यादा ट्रांसपोजिशन में से। हमेशा यहाँ से आपका इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन खिंचता भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होता है कंपैरिजन टू मेटा पोजिशन। तो इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करनी है। इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी कंपैरिजन टू दिस, तो सेकेंड पोजिशन आएगी मेटा की, थर्ड पोजिशन आएगी सेकेंड पोजिशन आएगी ऑर्थो की, थर्ड पोजिशन आएगी मेटा की, एंड फोर्थ पोजिशन होगी। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन एरोमेटिक कंपाउंड। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।